दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मीडिया और मनोरंजन विभाग की सालाना बैठक में इंडस्ट्री के बारे में जो आंकड़े पेश किए गए वो चौंकाने वाले हैं। दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां डिजिटल मीडिया के तेज विकास के साथ साथ प्रिंट और टीवी इंडस्ट्री में भी वृद्धि हो रही है। CII द्वारा आयोजित द बिग पिक्चर समिट की शुरुआत आज हो चुकी है। इस दो दिवसीय समारोह को देश भर का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट कहा जा सकता है। मीडिया के अलग अलग न्यूज़ मीडिया, सिनेमा जगत और बाकी सभी मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मीडिया से सभी लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और नए आइडियाज़, नए ट्रेंड्स जो हैं उनको बारीकी से उन पर बातचीत हो रही है। और इस समारोह में जितने भी मीडिया से जुड़े जो पुराने ख्याल थे उनको पीछे छोड़कर आने वाले समय में जो नए ट्रेंड्स से उन पर बात की जा रही है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दुनिया भर के इस ट्रेंड को तोड़ दिया है कि डिजिटल मीडिया में हुई बढ़ोतरी से पुराने मीडिया जैसे प्रिंट और टीवी पर बुरा असर पड़ा है। भारत में सभी तरह के मीडिया तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। Penetration of television in the country is only about 65-66%. So there's a third of the country which does not have television. So if there are 300 million homes in the country, only about 197 million homes have TVs. So, and with the assumption that we will hopefully be sort of, you know, reaching maybe 90% in the medium term and not necessarily all 100%, even if you take that conservative assumption, we are talking of 70 million additional TV homes in this country. And I think that's a big, big number. नई रिपोर्ट में ये भी दर्शाया गया है कि टीवी के प्राइम टाइम के मायने बदल रहे हैं। लोग अब रात के 12 बजे तक टीवी देख रहे हैं, जो प्राइम टाइम पहले 11 बजे तक खत्म हो जाता था। इसीलिए भारत के मीडिया में निवेश जारी है, जो अब टेक्नोलॉजी में हो रहा है। Technology, as Sudhanshu just was saying, has actually become quite core to media. I think the separation between tech and media is becoming impossible. And this is a chart that you see out here of the media investments that have been made by traditional media houses in the US. So more than $125 billion have been invested over the past 3 years across these small nondescript investments. And they are investing into everything from emotional intelligence tools to sports analytics tools. You know, there are platforms like Mand and BrandTotal, no names. But these are acquisitions after acquisitions that traditional media houses are making to strengthen the muscle on tech. बिग पिक्चर समिट की थीम ट्रांसफॉर्मेशन इन मीडिया है, जो भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात को बदल रहा है। गो न्यूज़ ब्यूरो।